ये परिचर्चा के जो मुख्य हाईलाइट है वो हम बात करेंगे चक्रवाती तूफान बिपोर जोए के बारे में, जो कि अभी अरब सागर के ऊपर स्थिति है। उसके अलावा जो हमारा पूर्वी भारत है वहाँ के अनेक स्थानों पे लू की स्थिति चल रही है, उसके साथ ही हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भी एक आध स्थानों पर लू की स्थिति चल रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो हमारे उत्तरी पूर्वी राज्य है वहाँ पे अगले 5 दिनों तक भारी से अत्यधिक भारी वर्षा होने वाली है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। अगर हम सबसे पहले चक्रवाती तूफान बिपोर जय की बात करें तो ये हमारा सैटेलाइट पिक्चर्स है जिसमें कि हम देख पा रहे हैं कि ये चक्रवाती तूफान अरब सागर में किस तरीके से आगे बढ़ रहा है गुजरात और पाकिस्तान तट के तरफ। अगर हम आज सुबह की बात करें तो ये चक्रवाती तूफान कल के कंपेरिजन में थोड़ा सा कमजोर हुआ है। कल वहीं पे इसमें हवाओं की गति 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही थी। आज जो है ये चक्रवाती तूफान अभी उत्तर पूर्व अरब सागर पे स्थिति है और जिसमें हवाओं की गति कम होकर के 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे देखी जा रही हैं। ये चक्रवाती तूफान लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लगभग उत्तर की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो कि हम इस सैटेलाइट पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि ये कैसे गुजरात और पाकिस्तान के तट के तरफ बढ़ रहा है। अभी ये चक्रवाती तूफान जो लगभग है द्वारका से 280 किलोमीटर की दूरी पे है, वहीं पे पोरबंदर से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पे स्थिति है और यही चक्रवाती तूफान जखायू से अगर हम देखेंगे 310 किलोमीटर दूर और जो हमारा नालिया है गुजरात में वहाँ से 330 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। अगर हम इसके फोरकास्ट ट्रैक की बात करें तो इस पिक्चर में जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये ब्लैक कलर का जो लाइन है ये हमें दर्शाता है कि चक्रवाती तूफान कैसे दक्षिण पूर्व अरब सागर में बना और उत्तर की तरफ आगे बढ़ा, और जो लाल कलर की लाइन है ये हमें दर्शाता है कि ये चक्रवाती तूफान किस तरीके से आगे बढ़ेगा और ये गुजरात के तट से कब जाके टकराएगा। जैसा कि हमने देखा अभी इसमें जो हवाओं की गति है वो 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है, अब इसमें लगातार हवाओं की गति में कमी देखी जाएगी यानी कि ये तूफान धीमे धीमे करके कमजोर पड़ेगा। कल सुबह होते होते इसमें हवाओं की गति 135 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे देखने को मिलेगी। वहीं पे ये चक्रवाती तूफान परसों यानी कि 15 जून को लगभग सौराष्ट्र का जो हमारा तटीय इलाका है उसके साथ ही जो पाकिस्तान का तटीय इलाका है उसके तरफ आगे बढ़ रहा है और ये जो है हमारा मांडवी जो कि गुजरात में है और कराची जो कि पाकिस्तान में है उसके बीच में जखायू बंदरगाह है जो कि गुजरात में है वहाँ पे जाके परसों शाम को यानी कि 15 तारीख के शाम को टकराएगा। और जिस समय ये चक्रवाती तूफान जखायू के पास टकराएगा उस समय उसमें हवाओं की गति लगभग 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे देखने को हमें मिलेगी। ये चक्रवाती तूफान जैसा कि हम देख रहे हैं कि 6 तारीख को बनना चालू हुआ तो और 15 तारीख की शाम को जाकर टकराएगा, इसका मतलब है कि ये अरब सागर में लगभग 9 दिन से भी ज़्यादा समय गुजार रहा है गुजारेगा। अगर हम पिछले कुछ तूफानों की बात करें तो इससे पहले जो है हमारा जो क्यार चक्रवाती तूफान था वो अरब सागर में लगभग 9 दिन 15 घंटे तक रहा और उसी तरीके से जो हमारा गाजा चक्रवाती तूफान था वो 9 दिन 3 घंटे तक अरब सागर में रहा है। अगर इस चक्रवाती तूफान के चलते हम अगर गुजरात की बात करें, गुजरात में खास करके हम बारिश की बात करें तो आज यानी कि 13 जून को जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं मुख्य रूप से देवभूमि और जो पोरबंदर में जिसको कि हमने लाल कलर से दर्शाया हुआ है वहाँ पे हमें 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश एक आध स्थानों पर देखने को मिल सकती है। वहीं पे जो हमारा कच्छ है, जामनगर है, राजकोट है, जूनागढ़ का इलाका है वहाँ पे हमें भारी से अत्यधिक भारी वर्षा यानी कि 12 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश देखने को मिलेगी जिसको ऑरेंज कलर से दर्शाया है। अगर हम कल की बात करें, 14 जून की बात करें तो कल मुख्य रूप से कच्छ में और द्वारका में एक आध स्थानों पर 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हमें देखने को मिल सकती है। वहीं पे मोरबी, जामनगर और पोरबंदर में 12 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हमें देखने को मिलेगी जिससे हमने ऑरेंज कलर से दर्शाया हुआ है। अगर हम 15 तारीख की बात करें, 15 तारीख को ये चक्रवाती तूफान 15 तारीख की शाम के आसपास ये टकराएगा। जब ये चक्रवाती तूफान टकराएगा तो हमें मुख्य रूप से जो कच्छ का इलाका है, द्वारका है और जो जामनगर है वहाँ पे भारी से अत्यधिक भारी वर्षा यानी कि 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश देखने को मिलेगी जैसा कि हमने लाल कलर से दर्शाया है। वहीं पे अगर हम मोरबी, राजकोट, पोरबंदर और जूनागढ़ की बात करें तो वहाँ पे हमें 12 सेंटीमीटर से अधिक बारिश देखने को मिलेगी जिसको हमने ऑरेंज कलर से दिया है। बाकी जो हमारे उसके आसपास के जितने भी एरियाज हैं जिसको हमने पीले कलर से दर्शाया है वहाँ पे हमें भारी बारिश देखने को मिलती रहेगी।
यानी कि 6 सेंटीमीटर से अधिक बारिश देखने को मिलेगी। 16 तारीख को ये चक्रवाती तूफान बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका होगा और ये गुजरात के आंतरिक हिस्से में होगा। कमज़ोर पड़ने के साथ साथ जो हमारा बारिश का जो बेल्ट है वो और अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया होगा, तो यानी कि 16 तारीख को भारी से अत्यधिक भारी वर्षा जो हमें कच्छ में, मोरबी में और महसाना में, इन जिलों में देखने को मिलेगी। उसके आसपास के जिलों में भारी बारिश हमें देखने को मिलती रहेगी। वहीं पर 17 तारीख आते आते ये सिस्टम और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा और उसका जो मुख्य रूप से इफेक्ट है वो राजस्थान में चला जाएगा। हालांकि कुछ एक ज़िले हैं हमारे गुजरात रीजन के उत्तरी जो ज़िले हैं वहाँ पर भारी से अत्यधिक भारी वर्षा एक आध स्थानों पर हमें देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर हम हवाओं की गति की बात करें तो आज यानी कि 14 तारीख को जो हमारा सौराष्ट्र और जो कच्छ का तटीय इलाका है या उससे जो लगे हुए जो ज़िले हैं वहाँ पर हवाओं की गति अभी लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे देखी जा रही है। वहीं पे कल यानी कि 14 तारीख को जो हमारा कच्छ का इलाका है या सौराष्ट्र का जितना कोस्टल एरिया है जैसे कि जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, राजकोट, जूनागढ़ और सोमनाथ, वहाँ पे हवाओं की गति लगभग 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे कल हमें देखने को मिलेगी। उसके आसपास के क्षेत्र में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे हवाओं की गति रहेगी। 15 तारीख की अगर हम बात करें तो 15 तारीख में ये चक्रवाती तूफान गुजरात के तट के बहुत ही पास आ जाएगा, शाम को जाके ये टकराएगा, जिसके चलते हमें कच्छ में, द्वारका में और जामनगर में हवाओं की गति लगभग 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे देखने को मिलेगी, जिसके चलते हमने वहाँ पे लाल कलर का वार्निंग इशू किया हुआ है। वहीं पे पोरबंदर, राजकोट, मोरबी में हवाओं की गति जो है वो 60 से 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे देखने को मिलेगी, जिसको हमने ऑरेंज कलर से दर्शाया है। वहीं पे जूनागढ़, सोमनाथ, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद या उसके आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पे हवाओं की जो गति है वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे हमें मिलती रहेगी। अगर हम उसी तरीके से 16 तारीख की बात करें तो मुख्य रूप से जो हमारा कच्छ का इलाका है, द्वारका है, जामनगर है, मोरबी है, वहाँ पे हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे देखने को मिलेगी, जबकि जो हमारा गुजरात का उत्तरी ज़िले हैं वहाँ पे हवाओं की गति जो है हमें 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे देखने को मिलती रहेगी, जिसको हमने पीले कलर से दर्शाया है। अगर हम स्ट्रॉम सर्ज की बात करें तो जिस समय ये चक्रवाती तूफान तट से टकराएगा उस समय जो है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल, अगर हम टाइड्स की बात करें तो हमें पोरबंदर में लगभग 9:30 बजे के आसपास 2.5 मीटर की हाइट तक का टाइडल वेव समय देखने को मिलेगी। वहीं पे नौलाखी में दोपहर को 1:30 बजे के आसपास 7.5 मीटर तक की हमें जो है टाइडल वेव्स देखने को मिलेगी। उसी तरीके से ओखा में 3.5 मीटर तक की हमें टाइडल वेव्स देखने को मिलेगी। अगर हम चूंकि चक्रवाती तूफान है इसके वजह से गुजरात के कुछ ज़िलों में भारी वर्षा देखने को मिलेगी, बहुत तेज़ हवाएं चल रही होंगी, उसके साथ ही स्ट्रॉन्ग सर्ज भी हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से विभिन्न तरीके के जो है नुकसान देखने को मिल सकते हैं। मुख्य रूप से जो हमारे छप्पर वाले घर हैं या कच्चे घर हैं उनको एक अच्छा खासा नुकसान होने की संभावना है। उसके अलावा जो हमारी हल्की वस्तुएँ हैं तेज़ हवाओं के चलते उड़ सकती हैं, उड़ने की वजह से भी नुकसान देखने को मिल सकता है। बिजली के जो खंभे हैं या जो हमारे टेलीकम्युनिकेशंस के जो पोल्स हैं, खंभे हैं, वो उखड़ के भी गिर सकते हैं या झुक सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा कच्ची सड़कें हैं उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है इन सभी जिलों में। हालांकि जो पक्की सड़कें हैं वहाँ पे भी हल्का फुल्का नुकसान देखने को मिलता रहेगा। और अगर हम बिजली की लाइनों की बात करें, मुख्य रूप से जो हमारा रेलवेज सर्विसेज हैं, रेलवे हैं या सिग्नलिंग सिस्टम है जो हमारा रेलवे का, उसमें भी थोड़ा बहुत जो है व्यवधान देखने को मिलेगा। इन सभी इलाकों में जो हमारी फसलें खड़ी हैं खेतों में, उसके अलावा जो वृक्षारोपण है, जो बागवानी है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। छोटी नाव जो हैं वो घाटों से तेज़ हवाओं के चलते, स्ट्रॉम सर्ज के चलते जो है घाटों से अलग हो सकती हैं। और इसके अलावा जो हमारा विजिबिलिटी है, काफ़ी तेज़ बारिश के चलते विजिबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, विजिबिलिटी काफ़ी कम देखने को मिलेगी। अगर हम समुद्र की बात करें तो जैसा कि हमने देखा आज ही चक्रवाती तूफान उत्तर पूर्व अरब सागर में है, कल भी वहीं पर रहेगा, परसों जाके गुजरात के तट के पास पहुंचेगा, शाम को टकराएगा, तो यानी कि अगले 3 दिन तक उत्तर पूर्व अरब सागर में हवाओं की जो गति है वो लगभग 120 से लेकर के 160 किलोमीटर प्रति घंटे हमें देखने को मिलती रहेगी, जिसको कि हमने रेड कलर से दर्शाया है। उसके जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ पे हवाओं की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखने को मिलेगी। इसलिए हम सभी अपने मछुआरे भाइयों को एडवाइस करते हैं कि इन क्षेत्रों में उनको अगले 3 से 4 दिन तक नहीं जाना चाहिए।
अगर हम कल के अधिकतम तापमान की बात करें तो हमारा अधिकतम तापमान मुख्य रूप से जो पूर्वी भारत है या उससे लगा हुआ जो मध्य भारत है वहाँ पे 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखने को मिला है, जिसको कि हमने ये डार्क कलर शेडेड फॉर्म में दिखाया हुआ है। भारत के बाकी सभी हिस्सों में जो है अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास देखने को मिला है। सिर्फ उत्तरी पूर्वी राज्य, उत्तर पश्चिम भारत के कुछ एक हिस्से और दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ एक स्थानों को छोड़ के अगले आने वाले 5 दिनों में भी उसके साथ ही अगर हम देखें तो कल हमें जो है लू की स्थिति मुख्य रूप से पूर्वी भारत के अनेक स्थानों पर देखने को मिली है। उसके अलावा जो हमारा आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश के एकाध स्थानों पर और उत्तर प्रदेश के एकाध स्थानों पर भी देखने को मिला है। अगले आने वाले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, सिर्फ राजस्थान को छोड़ के जहाँ पे 16 और 17 मई में तापमान में एक अच्छी खासी गिरावट होगी, यानी कि राजस्थान में गर्मी का दौर खत्म हो जाएगा 16 तारीख के बाद से। वहीं पर गुजरात को भी छोड़ के, क्योंकि गुजरात में बारिश होने वाली है, वहाँ पर भी अगले 5 में टेम्परेचर में अच्छी खासी गिरावट होगी। गुजरात और राजस्थान को छोड़ के भारत के अन्य सभी हिस्सों में कोई भी टेम्परेचर में गिरावट नहीं होगी, यानी कि हमें गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। अगर 5 दिन के लू चलने को देखें तो मुख्य रूप से हमारा जो पूर्वी भारत है वहाँ पे अगले 5 दिनों के लिए हमने ऑरेंज कलर का वार्निंग दिया हुआ है। मुख्यतः हमारा जो है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, यानी कि वहाँ पे अगले 5 दिनों तक हमें कुछ एक स्थानों पे लू चलती हुई दिखाई देगी, जिसके चलते हमने ऑरेंज कलर का वार्निंग दिया हुआ है। हालांकि वहीं पर अगर हम उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, विदर्भ की बात करें तो वहाँ पर भी अगले लगभग 4 दिनों तक भी लू चलती रहेगी, जबकि छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलती हुई हमें दिखाई देगी। इन सभी क्षेत्रों को हमने येलो कलर का वार्निंग दिया हुआ है। अगर हम आज के मुख्य सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो आज हमारा अरब सागर में चक्रवाती तूफान बिपोर जाय बना हुआ है। वहीं पे हमारा एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, वहाँ से एक ट्रफ रेखा है जो है उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, जो कि छत्तीसगढ़ के होकर गुजर रही है। वहीं पर दक्षिण पूर्व अरब सागर में एक ट्रफ रेखा है जो कि कर्नाटक और केरल के तट के पास में बनी हुई है। अगर इस सिनॉप्टिक सिस्टम्स के चलते अगर हम एक नज़र मानसून को अगर हम देखें तो मानसून में आज कोई भी वृद्धि नहीं हुई है, यानी कि कल जहां तक मानसून पहुंचा था वहीं तक मानसून आज भी है। आगे आने वाले भी 3-4 दिनों में मानसून के आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। अगर हम ये सिनॉप्टिक सिस्टम्स के चलते अगले 5 दिनों की बारिश की बात करें तो अगले 5 दिनों में मुख्य रूप से अगर हम पश्चिमी भारत की बात करें तो गुजरात में, जैसा कि हमने आज जो है वहाँ पर ऑरेंज कलर का वार्निंग दिया हुआ है, कल के लिए भी ऑरेंज कलर का वार्निंग दिया है, यानी कि 13 और 14 तारीख को भारी से अत्यधिक भारी वर्षा गुजरात के और सौराष्ट्र एंड कच्छ के मुख्य रूप से एकाध स्थानों पर मिलती रहेगी। वहीं पे 15 तारीख को ये चक्रवाती तूफान टकराएगा, उस समय बहुत ही ज़्यादा भारी से अत्यधिक भारी वर्षा अनेक स्थानों पर मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों में और कुछ एक स्थानों पर हमें 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश देखने को मिलेगी, जिसके चलते हमने रेड कलर का वार्निंग 15 जून के लिए दिया हुआ है। वहीं पर 16 तारीख को बारिश में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी गुजरात में, हालांकि हल्की से भारी से अत्यधिक भारी वर्षा कुछ एक स्थानों पर देखने को मिलती रहेगी, हमने ऑरेंज कलर का वार्निंग दिया हुआ है। और वहीं पे 17 तारीख में बारिश में और ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी गुजरात में। अगर हम राजस्थान को देखें तो 16 और 17 तारीख को ये चक्रवाती तूफान टकराने के बाद जैसे ही आगे बढ़ेगा 16 और 17 तारीख को इसका मुख्य रूप से जो प्रभाव होगा वो राजस्थान में देखने को मिलेगा। 16 तारीख को इसका मुख्यतः प्रभाव हमारा राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में और 17 तारीख को राजस्थान के दक्षिणी हिस्से और उससे लगे हुए जो मध्य हिस्सा है राजस्थान पे, वहाँ पे भारी से अत्यधिक भारी वर्षा हमें देखने को मिलेगी, जिसके चलते हमें ऑरेंज कलर का वार्निंग दिया हुआ है। वहीं पे अगर हम उत्तरी पूर्वी राज्यों की बात करें तो उत्तरी पूर्वी राज्यों में अगले 5 दिनों तक सभी स्थानों पे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय और मिजोरम और त्रिपुरा में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा एकाध स्थानों पे लगातार हमें देखने को मिलती रहेगी। और 15, 16 और 17 जून को मेघालय में एकाध स्थानों पर हमें भारी से अत्यधिक भारी वर्षा, यानी कि 20 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश देखने को मिलेगी, जिसके चलते हमने मेघालय को 15 जून को, 16 जून और 17 जून को ऑरेंज कलर का वार्निंग दिया हुआ है। उसी तरीके से सिक्किम के क्षेत्रों में भी अगले 5 दिनों तक भारी वर्षा एकाध स्थानों पर देखने को मिलती रहेगी। भारत के बाकी सभी स्थानों में, चाहे वो मध्य भारत हो या उत्तर पश्चिम भारत हो, राजस्थान को छोड़ के, या हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप है या हमारा पूर्वी भारत है, वहाँ पे भी कोई सीवियर वेदर होने की संभावना नहीं है। हालांकि एकाध स्थानों पे छुटपुट वर्षा चलती रहेगी। उसके अलावा हालांकि इन सभी क्षेत्रों में हमारा गर्मी का दौर जो है लगातार चालू रहेगा, जैसा कि हमने अभी देखा।